बाबा नंदसिंह जी को वचन याद कर लिया करो ना, जब किसी ने कहा था कि फलाना आदमी आपका सत्संगी है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, सारे गलत काम करता है, इससे अच्छे तो हम हैं, आपकी संगत में नहीं आते, पर ये सारे गलत काम तो नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंदसिंह जी कहने लगे नहीं, फिर भी वो तेरे से अच्छा है। वो कहने लगे कैसे? कहने लगे वो रोज़ संगत में आ रहा है, सुन रहा है, कब चोट लग जाएगी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए आते हैं ना, अपने मन में झांको, सालों से कई आ रहे होते हैं, अचानक चोट लग जाती है, शराब छूट जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जीवन पलटी खा जाता है। बाबा नंदसिंह जी कहने लगे जो रोज़ आ रहा है, आज सुधरा कि कल सुधरा पता नहीं, प्यार से बोले धन गुरु नानक, तू नहीं आ रहा, तेरे में गुण हैं, तू सही बात कह रहा है, नहीं पीता नहीं खाता, पर आत्मा कमज़ोर होती जाएगी, एक दिन खाने पीने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संग तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, पर मिलती कैसे है? बड़े भागों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं बिन पागा सत्संग न लभे, नहीं मिलती। ये कुछ बहुत बड़े भाग हों तो सत्संगत मिलती है, और बाबा नंद सिंह जी के वचन पुण्यों का शिखर सूरज की तरह ऊपर चमक रहा हो, इतने ज़्यादा पुण्य हो तो पूर्ण महापुरुषों की संगत मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये पुण्यों का सूरज कैसे बनेगा? सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पॉइंट कुछ और है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि बिना बड़े भागों के सत्संगत प्राप्त नहीं होती। हमारा पॉइंट तो इसके आगे का चल रहा है। अब बड़े भागों से सत्संगत मिल गई, पर अगर करने का ढंग ना आया तो इससे बड़े अभागे कौन होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आकर भी खाली रह जाए, आए हैं सत्संग में, पर अगर खाली रह गए, बड़े भागों के बाद भी खाली रह गए, तो सबसे बड़ा भागा तो वो हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।